मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार्यालय के दो कमरों में आग तेज हो गई और ऑफिस में रखी चीजें धू धू करके जलने लगी। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस कर्मियों ने उच्च अधिकारी और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एक दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग की लपटें तेज होने पर तीन और दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। साथ ही सूचना पर आईजी, एसएसपी, डीएसपी समेत थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना पर एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि इस आगजनी की घटना में काफी फाइलों का नुकसान होने का अनुमान है। साथ ही उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से इस घटना के होने की संभावना है। ऑफिस में सुबह आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। फायर ब्रिगेड की पूरी टीम काम कर रही है और भी सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं। अभी तक सामान शाखा, वीओ शाखा और सिटी एसपी ऑफिस के जो कुछ कार्यालय है उसमें काफ़ी क्षति हुई है, विशेषकर फाइलों की और आंकड़ों की। अभी आग बुझाने का काम चल रहा है और लगभग ऑलमोस्ट बुझ गई है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। आग लगने का कारण क्या लग रहा है? ये तो बाद में पता लग पाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा बिजली का, इसकी वजह से लगी होगी। घटना मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग में मौजूद एसएसपी ऑफिस की है, जहां सुबह अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। साथ ही इस घटना की सूचना मिलते ही जिले के वरीय अधिकारी और ऑफिस से संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। ऑफिस में रखी फाइलों को भी आनन फानन में बाहर निकाला गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी की घटना में काफी फाइलों को नुकसान होने का अनुमान है।